प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल बीसीसी रखें में। मैं मुमताज सर, आज जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, समझिए जो स्टूडेंट जो छात्र अगर 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई लगा लेंगे क्योंकि ये संभवतः ये क्वेश्चन 2022 में आपका एकदम निश्चित आने वाला है, आएगा। तो ये क्या करेंगे, इसका मतलब ये अपरमेय, अपरमेय क्या होता है, यानी कि मैं हमेशा अपने वीडियो में मैं पिछली जो सवाल जो पीछे वाली सवाल जो बनाते हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ, इसलिए ये परिमेय और अपरिमेय आपको डिफिनेशन के साथ लिखवाया गया होगा, तो उसको आप जरूरी समझकर देख लेंगे। और ये क्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका अगर ये वीडियो अगर पूरी देख लेते हैं तो समझिए आपका पांच दो ये तीन नंबर का क्वेश्चन है, ये तीन नंबर आपका फिक्स हो जाएंगे अगर ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं। पूरी वीडियो अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका एकदम तीन नंबर कंप्लीट है। तो इसके लिए क्या है, यानी सिद्ध कीजिए कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में ना हो, यानी बटा के रूप में ना हो। देखिए इसमें रूट लगा हुआ है तो ये संख्या आपका बटा के रूप में नहीं है, जो बटा के रूप में हो वही परिमेय संख्या होता है, और जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में हो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय यानी अपरिमेय है तो कैसे, आप इसको सिद्ध करके बताइए। ये तो सब कोई जानता है कि अपरिमेय है, लेकिन है तो कैसे है, इसको सिद्ध करके आपको बताना है कि किस तरह हम मान सकते हैं। तो देखिए इसको हल करने के लिए अगर हम हल करते हैं तो इसको सबसे पहले इसके उल्टा, जैसे क्या होता है दिन के उल्टा रात होता है ना, तो इसी तरह मानेंगे, जैसे ये अपरिमेय है तो इसके उल्टा मानेंगे परिमेय। यहां लिखेंगे माना कि रूट पांच एक परिमेय संख्या है, रूट पांच एक परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय, रूट पांच एक परिमेय संख्या है। तो आपको अगर जो लिखवाया गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में हो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या का उदाहरण जैसे मान लीजिए रूट पांच आपका अपरिमेय हो गया, तो इसको माने हैं कुछ देर के लिए क्या, परिमेय यानी परिमेय संख्या, जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में यानी बटा के रूप में, देखिए बटा के रूप में हो गया, तो जो संख्या बटा के रूप में हो जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या मान लिए कुछ देर के लिए, ये अपरिमेय जो संख्या है कुछ देर के लिए इसको मान लिए परिमेय, यानी कि पी और क्यू, यहां आप जानते हैं कि पी और क्यू, जहां पी और क्यू एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, यानी P और Q क्या है आपका, अभाज्य गुणनखंड है। ये P और Q, P अभाज्य, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या P बटे Q, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड है जहां क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ Q जो है, Q का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। ये परिमेय में जब लिखवाएंगे तो P का मान, Q का मान कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे, एक मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, जब गुना यहाँ करेंगे तो ये संख्या आ जाएगा कितना, रूट पांच क्यू इक्वल टू एक में पी से गुना करेंगे तो पी, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहां देखेंगे रूट पांच क्यू बराबर पी, ये समीकरण एक मान लिए। अब समीकरण एक मानने के बाद यहां रूट पांच क्यू इक्वल टू पी, ये समीकरण एक हो गया। उसके बाद इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी वर्ग मीन्स स्क्वायर, यानी दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, वर्ग मीन्स स्क्वायर, इसको भी वर्ग, यानी पांच क्यू इसका वर्ग बराबर पी स्क्वायर, ये वर्ग दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो देखिए वर्ग जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कि यहां
रूट पांच क्यू का ये वर्ग किए, स्क्वायर किए, तो स्क्वायर का मतलब दो बार रूट पांच क्यू गुने रूट पांच क्यू। अब देखिए वर्ग करेंगे तो ये संख्या जो है ये अचर है और ये चर है, तो अचर अचर को गुना करेंगे तो मान लीजिए पचास पच्चीस, इसको इसको गुना करेंगे तो एगो एगो दूगो, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, रूट में है तो पांच गुने पांच करके, यहाँ क्यू अलग है तो क्यू स्क्वायर कर देंगे, यहाँ जो है पांच का स्क्वायर करके और क्यू का स्क्वायर ये रहेगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये आ गया पांच गुने क्यू स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, पांच क्यू स्क्वायर ये हो जाएंगे। तो उसी तरह क्या करेंगे, ये जैसे इस पर पांच पांच हो गया तो पांच का स्क्वायर ये, और क्यू है तो क्यू का स्क्वायर। देखिए यहाँ यहाँ जो किए है ना, यहाँ ऐसे ही कर देंगे, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर, तो ये हो गया। उसके बाद पी स्क्वायर, फिर इसको इससे काट देंगे, देखिए पांच क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पांच क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यहां समीकरण इसको हम मान लेंगे दो, समीकरण दो। अब उसके बाद क्या करेंगे, पांच क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर समीकरण दो। अब देखिए यहां जो है जैसे ये संख्या ये दोनों में गुना छिपा हुआ है, तो यहां हम आपको समझाते हैं थोड़ी देर के लिए। पांच क्यू स्क्वायर बराबर हम दे देते हैं पी स्क्वायर, तो यहां अगर क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो पी स्क्वायर बटे पांच आ गया, ठीक। यहां तो पी देखिए तो पांच जो है पी को विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। देखिए यहां पांच जो कॉमन क्यू ले लेंगे तो पांच पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। उसी तरह क्या करेंगे, उसके बाद अगर फिर इसको अगर काट देते हैं तभी क्यू जो है क्यू क्या करेगा, क्यू इज इक्वल टू पी बटे पांच, तो पांच जो है आपका पी स्क्वायर को भी विभाजित करता है यहां देखिए, और पांच पी को भी विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे यहां, चूंकि पांच पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तथा पांच पी स्क्वायर को, देखिए यहां पांच जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे बटा में आ गया, फिर इसको काट दिया तो क्यू इक्वल टू पी बटा पांच, यानी पांच जो है आपका फाइव क्या है पी को भी विभाजित करता है, पांच पी को भी विभाजित विभाजित करता है, पांच पी को भी विभाजित करता है। और फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक स्टेप इसमें आगे निकलेंगे, फिर यहां जो है देखेंगे जैसे समीकरण इसमें क्या है, समीकरण जैसे पांच क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कुछ मानेंगे, माना कि पी बराबर पांच के, देखिए यहां ये अपने मन से माने पी बराबर पांच के, जैसे यहां हमको पांच सिद्ध करना है तो पी बराबर पांच के मान लेंगे, देखिए यहां अगर हमको तीन सिद्ध करना है तो तीन मान लेंगे तीन के, दो सिद्ध करना है रूट दो तो यहां दो के, मतलब जो संख्या यहां अगर सिद्ध करना है ना उसे हम मान लेंगे, बशर्ते एक संख्या होना चाहिए यहां सिर्फ एक, ये नहीं कि जैसे दो रूट पांच अगर हो उस तरह नहीं, अगर सिर्फ एक यहां संख्या रहता है तो मान लेंगे, माना कि पी बराबर पांच के, पी बराबर क्या करेंगे पांच के मानेंगे यहां पे। अब क्या करेंगे, माना पी बराबर पांच के, समीकरण अब क्या है, अब समीकरण दो से, देखिए यहां क्या है, समीकरण आपका दो है, कहां यहां समीकरण दो से, ये दो है समीकरण दो से। अब चलेंगे यहां जैसे दो क्या है, पांच क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है, पांच क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो देखिए तो ये पांच क्यू स्क्वायर है तो माना पी बराबर पांच के, ये पी क्या माने है पांच के बराबर, ये पी, तो क्या करेंगे जैसे पांच क्यू स्क्वायर बराबर, यहां देखिए ये क्या है पांच के, तो इतना के जगह पर जैसे पी है तो पी के जगह पर अगर चाहेंगे तो इसको रख सकते हैं, अगर कहीं अगर इसका जरूरत पड़े तो इतना के जगह पर इसको रख सकते हैं, इसका जरूरत पड़े तो इतना के जगह पर हम इसको भी रख सकते हैं। तो पी बराबर जैसे इसको क्या करें पांच के हम मान लिए, और देखिए इस पर तो स्क्वायर नहीं है, पावर नहीं है, तो इस पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे ये स्क्वायर यहां पर चढ़ा देंगे, पांच क्यू स्क्वायर पी, पांच क्यू स्क्वायर बराबर पांच के स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे जैसे इसका स्क्वायर है दोनों पर, अब देखिए ये दोनों पर स्क्वायर ये नहीं है, ये सिर्फ क्यू पर स्क्वायर है,
और ये होल स्क्वायर यानी कहने का मतलब जैसे कोष्ठ लग गया तो कोष्ठ पूरा पर स्क्वायर है, जितना संख्या होंगे उस पर टोटल पे स्क्वायर है, तो पांच के स्क्वायर। तो कहने का मतलब पांच के स्क्वायर जो दोनों पर है तो इसका मतलब क्या हुआ, पांच के गुने पांच के, पांच के यानी इसको इसको देखें पचा पच्चीस और एगो के कितना हो गया स्क्वायर। ठीक, तो यहां क्या करेंगे पांच क्यू स्क्वायर बराबर पचा पच्चीस के स्क्वायर, यहां देखिए सेम यही उतार देंगे पच्चीस के स्क्वायर। अब क्या करेंगे जैसे ये पांच जो है इसको काट देंगे पचा पच्चीस क्यू स्क्वायर जो है पांच के स्क्वायर। देखिए यहां देखिए जैसे पांच है पचा पच्चीस के स्क्वायर, अब इस संख्या को इधर ला दीजिए जैसे पांच के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां पे जैसे कि आप देखिए यहां पांच के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, अब यहां के स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं ये के स्क्वायर अगर मान लीजिए यहां यहां थोड़ी समझा देता हूं, यहां पांच के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर ये हो गया। अगर हम के स्क्वायर यहां कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बटा पांच। देखिए जैसे यहां गुना में है, यहां क्या छिपा हुआ है गुना छिपा हुआ है, तो यहां जो के स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो पांच इधर भागा में आ गया। तो देखिए तो क्यू को विभाजित कर रहा है कि नहीं, पांच क्यू स्क्वायर को कर रहा है। फिर अगर इसको काट देते हैं ये तो के बराबर क्यू बटा पांच, देखिए इसको भी विभाजित कर दिया। तो कहने का मतलब यहां फिर वही कार्य करेंगे कौन, यहां जो पांच पी स्क्वायर को विभाजित किया फिर पांच पी को भी विभाजित किया जैसे ये बताया, फिर यहां भी मैं बता दिया था। तो देखिए यहां लिखेंगे चूंकि पांच क्यू स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है तथा पांच क्यू को भी विभाजित 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 करता है विभाजित करता है। देखिए यहां जो है सेम ये काम करेंगे जैसे यहां पी स्क्वायर। अब कहने का मतलब आपका सवाल क्या है, देखिए दोनों को विभाजित कर रहा है क्यू स्क्वायर को भी और क्यू को भी, पी स्क्वायर को भी और पी पी को भी, यानी इससे साबित हो रहा है सिद्ध हो रहा है कि आपका पांच जो संख्या ऐसा है जो पी को भी काट देगा और क्यू को भी काट देगा। अगर आपको जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, कहीं अगर वीडियो देख रहे हैं जो आपको इसका अगर जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्या करेंगे इसको जहां जरूरत पड़े वहां स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए यहां जो है पांच कहने का मतलब यह है, पांच देखिए समीकरण एक को भी विभाजित कर रहा है जैसे पी और क्यू है, तो पी इसमें स्क्वायर नहीं, इसको भी काट रहा है इसको भी काट रहा है, देखिए इसको भी काट दिया क्यू को काटा पांच, फिर पांच पी को भी काटा यहां और स्क्वायर इसको भी काटा, समीकरण एक को भी काटा और दो को भी काटा। कहने का मतलब पी स्क्वायर ये हो गया तो पी स्क्वायर को काट दिया, क्यू स्क्वायर यहां हो गया तो क्यू स्क्वायर को भी काट दिया, फिर उसके बाद पी को काट दिया तो इसमें पी को काट दिया, क्यू को काट दिया तो यहां क्यू को काट रहा है, कट रहा है। तो इससे क्या होता है इधर देखते हैं, उधर थोड़ा सा जगह की दिक्कत है, तो यहां क्या करेंगे लिखेंगे चूंकि पांच जो है यहां फाइव, चूंकि फाइव समीकरण समीकरण एक और दो दोनों को विभाजित विभाजित करता है इसलिए इसलिए समीकरण से विरोधा विरोधाभास उत्पन्न होता है, ये विरोधाभास उत्पन्न होता है क्योंकि रूट पांच एक परिमेय संख्या नहीं, रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये जो है ये आपका सवाल सिद्ध हो गया है, इसका मतलब आपको यही सिद्ध करना था कि रूट पांच एक
अपरिमेय संख्या कैसे, तो देखिए ये टोटल जो है आपको सीध करके इसमें बताया गया है। ये अगर क्वेश्चन जो आप पूरी तरह से वीडियो देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, दो बार तीन बार इस वीडियो को देख लेते हैं, तो निश्चित आपको तीन नंबर का क्वेश्चन एकदम बिल्कुल कंप्लीट आपका हो जाएगा। इस तरह जो है आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करें, फटाफट अपने ग्रुप में जो है आपके दोस्त वगैरह वो सब के पास सेंड कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे आने वाले जाने वाले अगले वीडियो जो है आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तब तक फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।